इफ यू लव सीक्वेंस साड़ीज, अगर आपको सीक्वेंस साड़ीज बहुत पसंद हैं एंड आप उनको डिफरेंट डिफरेंट वेज में स्टाइल करना चाहते हो एंड आप थोड़े से कंफ्यूज्ड हो अगर कि सीक्वेंस साड़ीज आप किस टाइप की खरीदोगे, लाइक आपको किस ओकेजन के लिए चाहिए एंड ऑल, बहुत सारी चीजें हैं जो मैटर करती हैं कि आपको किस टाइप की सीक्वेंस साड़ीज खरीदनी चाहिए. तो अगर आपको सीक्वेंस साड़ीज लेनी है एंड यू आर बिट कंफ्यूज, देन स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. आई एम पल्लवी एंड इन दिस चैनल वी टॉक एवरीथिंग अबाउट फैशन. और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल अबाउट सीक्वेंस साड़ीज विच इज सो ट्रेंडी दीज डेज. मैंने रिसेंटली काफी सारी वीडियो साड़ीज, ट्रेंडी साड़ीज से रिलेटेड बनाई है जो कि आपको 2020 में अपनी साड़ी परचेजेस में काफी हेल्प करेगा. सो डू चेक देम आउट, आई लिंक देम हियर एंड इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल. सो प्लीज उसे चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा. एंड अब हम आते हैं आज के टॉपिक पे जो कि है कि सीक्वेंस साड़ीज आप कैसे खरीद सकते हैं, किस टाइप की सीक्वेंस साड़ीज आप प्रिफर कर सकते हैं एंड कैसे ओकेजन्स में. सीक्वेंस साड़ीज भी आप लाइक बहुत ज्यादा ट्रेंडी, अभी फुल्ली सीक्वेंस बहुत सारी सेलिब्रिटीज ने पेयर किया, फुल्ली सीक्वेंस साड़ीज लाइक फुल लाइक 5.5 meter ऑफ साड़ी सिंगल मोनोक्रोम कलर में एंड फुल्ली सीक्वेंस्ड. तो ये द मोस्ट पॉपुलर काइंड ऑफ सीक्वेंस साड़ीज है जो अभी इन ट्रेंड चल रही है. तो इफ यू आर कंफर्टेबल तो आप फुल सीक्वेंस साड़ीज ले सकते हो एंड आप उसे वेडिंग में या कॉकटेल पार्टीज वगैरह में लाइक स्टाइल कर सकते हो, क्योंकि उतनी हैवी सीक्वेंस साड़ीज लाइक अगर आपको स्टाइलिंग काफी अच्छे से आता है, सीक्वेंस साड़ीज को आप अगर अच्छे से स्टाइल कर सकते हो, देन यू कैन कंसिडर सीक्वेंस साड़ीज को किसी भी ओकेजन में जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसे पहनने के लिए. अदरवाइज आप हैवी सीक्वेंस साड़ीज को वेडिंग में प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि वेडिंग में उतनी हैवी सीक्वेंस साड़ीज चल जाती हैं एंड बहुत ज्यादा लाइक हटके टाइप का नहीं दिखता है. सो अगर आपको कुछ डिफरेंट ट्राई करना है देन यू कैन गो विद फुली सीक्वेंस साड़ीज. सेकेंड टाइप ऑफ सीक्वेंस साड़ीज आप कंसिडर कर सकते हो वो जिसमें लाइक सीक्वेंस ऑल ओवर साड़ी हो बट थोड़े थोड़े गैप में हो, फुली सीक्वेंस साड़ीज के जैसे ना हो, थोड़े थोड़े गैप में हो, तो आप उसको अच्छे से स्टाइल कर सकते हो एंड वो लाइट ओकेजन्स में भी चल जाएगा, लाइक योर फेयरवेल पार्टी, योर इवन कॉकटेल एंड वेडिंग में भी. अगर आप उसको एक प्रॉपर ब्लाउज या क्रॉप टॉप के साथ स्टाइल कर रहे हो तो वो वेडिंग में भी अच्छा लगेगा. एंड थोड़े गैप वाले सीक्वेंस साड़ीज जिसमें एक दो लाइन का गैप हो वो आप किसी भी लाइट ओकेजन में लाइक हल्दी हो गया, मेहंदी हो गया, किसी पूजा में, किसी फेस्टिवल में भी स्टाइल कर सकते हो. एंड अगर आपका कलर थोड़ा सा टोन डाउन टाइप का, बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं है, तो भी वो काफी सारे ओकेजन्स में स्टाइल हो जाएगा. थर्ड टाइप ऑफ सीक्वेंस साड़ीज आर लाइक अगर आपको बहुत ज्यादा सीक्वेंस नहीं पसंद है एंड आपको स्टिल इन ट्रेंड रहना है, तब आप सीक्वेन बॉर्डर्स के देख सकते हो, क्योंकि सीक्वेन साड़ीज बहुत ट्रेंडी है अभी एंड आपको अगर ट्रेंड भी चाहिए एंड आपको सीक्वेन साड़ीज उतनी पसंद भी नहीं है, लाइक आई जस्ट डोंट लव सीक्वेंस, बट सीक्वेंस साड़ीज आज मतलब इतनी ज्यादा ट्रेंडी है, दे लुक स्टनिंग एंड जितनी भी सेलिब्रिटीज ने उसे स्टाइल किया है दे वर ऑल्सो लुकिंग स्टनिंग. सो आई विल सजेस्ट कि अगर आपको ट्रेंड में भी रहना है, सीक्वेंस साड़ीज आप नहीं पहनना प्रेफर करोगे, सो यू कैन गो विथ नाइस सीक्वेंस बॉर्डर. एक्चुअली उसमें कुछ बहुत ज्यादा नया नहीं है, लेकिन यू कैन गो विथ नाइस मेटालिक कलर एंड उसके बाद सीक्वेंस बॉर्डर्स, थोड़ा सा ब्लिंगी भी आ जाएगा, थोड़ा सा सीक्वेंस भी आ जाएगा, आप इन ट्रेंड भी रहोगे एंड आपने बहुत ज्यादा हैवी सीक्वेंस भी नहीं पहना होगा. सो या दिस वाज द थर्ड थिंग कि अगर आपको सीक्वेंस साड़ीज पेयर करनी है तो, एंड ये सारे लाइट ओकेजन्स में मैच हो जाएगा, एंड अगर आपको ये वेडिंग के लिए स्टाइल करना है तो वेडिंग में बस एक अच्छा सा आप हैवी लुक वाला ब्लाउज, हैवी लुक वाला कुछ अच्छा सा साड़ी के साथ पेयर कर लीजिए, हैवी ज्वेलरी पहन लीजिए एंड यू आर गुड टू गो. फोर्थ टाइप की आप सीक्वेंस को इनकॉर्पोरेट कर सकते हो वो है हाफ एंड हाफ सीक्वेंस साड़ीज, लाइक आपकी हाफ साड़ी प्लेन रख लो, प्रिंटेड रख लो एंड हाफ साड़ी को आप सीक्वेंस वाला रख सकते हो. आप हाफ एंड हाफ साड़ी भी क्रिएट, एक्चुअली आप इन सारी टाइप की साड़ीज को घर पे भी क्रिएट कर सकते हो अगर आपको थोड़ी बहुत स्टिचिंग आती है तो, लाइक आपको थोड़ा सा हेमिंग करवाना है, थान का कपड़ा लेना है एंड यू आर ऑल सेट. सो ये सारी चीजें थी, आप हाफ एंड हाफ साड़ी भी क्रिएट कर सकते हो, आपका हाफ साड़ी थोड़ा सा ब्लिंगी हो जाएगा, हाफ साड़ी प्लेन हो जाएगा एंड आप इन ट्रेंड भी रहोगे एंड आपने बहुत ज्यादा सीक्वेंस भी नहीं पहना होगा.
सो या ये सारी सारीज भी आप ट्राई कर सकते हो, ये भी आप अगर अच्छे से स्टाइल करोगे तो वेडिंग में भी बहुत अच्छे लगेंगे। एंड अगर आप इसे लाइट ओकेजन्स के लिए भी स्टाइल करना चाहते हो, लाइक पूजा हो गया, नॉर्मली छोटे मोटे ओकेजन्स हो गए, गेट टुगेदर हो गया, आप वहां भी इसे स्टाइल कर सकते हो। बस ये मैटर करता है कि आपने कलर एंड सिक्वेंस की क्वांटिटी एंड सिक्वेंस का गैप कैसा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टेप फॉर लाइक सीक्वेंस ट्रेंड के लिए इज आप प्लेन साड़ी ले लो एंड अच्छी सी सीक्वेंस ब्लाउज आप स्टिच करा लो। जल्दी ही मैं एक सीक्वेंस क्रॉप टॉप या सीक्वेंस ब्लाउज का ट्यूटोरियल अपलोड करने वाली हूँ इस चैनल पे, तो प्लीज स्टे ट्यून्ड। एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए एंड बेल बटन भी दबा दीजिएगा ताकि जब मैं वो वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो या अगर आपको थोड़ी बहुत स्टिचिंग आती है एंड थोड़ा बहुत स्टिच करने आता है तो आपके स्टिचिंग चार्जेस भी बच जाएंगे, बस आपको एक मीटर कपड़ा लाना है एंड आपका ब्लाउज रेडी हो जाएगा। एंड बस आप एक प्लेन साड़ी ले लीजिए, एक हैवी सीक्वेंस फैब्रिक ले लीजिए जिससे आप ब्लाउज बनवा सकते हो एंड यू आर गुड टू गो। आप इन ट्रेंड भी रहोगे, आप उस ब्लाउज को किसी भी हैवी ओकेजन में लाइक अगर आप न्यूट्रल कलर्स में बनवा रहे हो वो आपकी बहुत सारी साड़ीज के साथ, स्कर्ट्स के साथ, लहंगे के साथ पेयर हो जाएगा एंड वो पूरा वर्थ इट हो जाएगा। एंड ब्लाउज का खर्चा साड़ी जितना तो आता नहीं है। सो या दीज आर द थिंग यू कैन कंसिडर टू स्टे इन ट्रेंड विथ सीक्वेंस जो अभी बहुत ज्यादा ट्रेंडी चल रहा है। सो या आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड इफ यू डू देन प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड एंड फैमिली एंड लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो वट यू फील अबाउट दिस वीडियो। एंड आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। एंड अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग, इट मीन्स अ लॉट एंड मोटिवेट्स मी टू मेक न्यू वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर टाइम। अंटिल नेक्स्ट टाइम, हैप्पी स्टाइलिंग।